हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई थिंक फिट होंगे, फाइन होंगे। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक, और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी भारत के फ्यूचर डॉक्टर्स का। सो फ्रेंड, जैसे कि आप सभी की ऑफिशियल ईमेल आईडी पर एनटी ने नीट 2021 का जो ओएमआर था या जो फाइनल एनटी की ऑफिशियल आंसर की है उसको सेंड कर दिया है, पब्लिश कर दी है, और आप सभी ने देख लिया होगा। अब क्योंकि ओएमआर सीट आ गई है, आंसर की आ गई है, तो आपको एक संभावित आइडिया हो गया कि आपके इस बार नीट एग्ज़ाम में कितने मार्क्स जा सकते हैं। अब क्योंकि आप सिंपल काउंट कर लीजिए आप कितने क्वेश्चन सही हैं, आप उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितने क्वेश्चंस गलत हैं तो उतने नंबर्स जो माइनस कर दीजिए, आपको आपका रिजल्ट जो है एक्चुअल में वो हो जाएगा कितना आपका नंबर आ रहा है। अब जब रिजल्ट एक हफ्ते बाद डिस्प्ले होगा तो फिर सवाल ये आता है कि सर इस बार MBBS का गवर्नमेंट सीट की कट ऑफ क्या रह सकती है कैटेगरी वाइज, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो OBC हो, SC हो, ST हो, और क्या इस बार कट ऑफ हाई जाएगा। इसके अलावा स्टेट कट ऑफ का क्या कुछ इम्पैक्ट इस पर पड़ता है। सबसे पहले एक बात समझिएगा कि जो MBBS की काउंसलिंग होती है वो दो फेजेस में होती है। एक होती है ऑल इंडिया काउंसलिंग, जहाँ पर जो 15 सीटें होती हैं सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस की वो इंक्लूड होती हैं। वहीं पर दूसरी तरफ एक होती है स्टेट कोटा काउंसलिंग, जहाँ पर 85% सीटों पर MBBS काउंसलिंग कराई जाती है। अब जो ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग है उस पर कट ऑफ का कोई विशेष इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, प्रीवियस ईयर तुलना में कम जाएगा, चाहे वो एक या दो नंबर ही कम हो, बट स्टेट कोटा पे इतना इम्पैक्ट नहीं है कि आपको बहुत कम नंबर पर MBBS मिल जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें दोस्तों स्टेट कोटा काउंसलिंग की, तो यहाँ पर आपको काफ़ी रिलैक्सेशन मिल सकता है, बिकॉज इस बार NTA ना बहुत अधिक मात्रा में MBBS सीटें इंक्रीज़ की हैं। जैसे मैं बात करूँ UP की, तो यहाँ पर 1000+ सीटें हैं जो इस बार इंक्रीज हो चुकी हैं, कुछ सीटें अभी भी पेंडिंग में हैं। ऐसे ही बिहार का भी सेम सिनेरियो है, राजस्थान का भी है, आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ का भी था, तो बहुत सारी सीटें MBBS की इंक्रीज़ हुई हैं, लेकिन स्टेट कोटा काउंसलिंग की ही सीटें इंक्रीज़ हुई हैं। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि स्टेट कोटा काउंसलिंग में क्या सुपीरियर होता है, क्या प्रायोरिटी दी जाती है। तो भैया, स्टेट कोटा काउंसलिंग पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आप उस पर्टिकुलर स्टेट से जो है 10th फर्स्ट ईयर और 12th आपने किया हो, आपकी फैमिली 5 ईयर से वहाँ पर कम से कम रह रही हो। ये है एक अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग जो कहते हैं ना मानक, जिससे आपका स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनेगा। तो फटाफट हम आपको ये चीज़ें आप आई थिंक पता रही होंगी, सीधे हम कट ऑफ पे लिख के चलते हैं और बात करते हैं कि स्टेट कोटा काउंसलिंग में आपको कितने नंबर तक MBBS मिल सकता है। देखिए, जनरल, OBC, SC, ST और फिजिकली हैंडीकैप, हर एक कैटेगरी के बच्चे की कट ऑफ अलग अलग जाती है। सबसे पहले बात करें तो हम ऐसे बच्चे जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं तो इनकी कट ऑफ बेहद कम जाती है। क्यों? क्योंकि हर एक स्टेट में कुछ सीटें MBBS की रिजर्व की जाती हैं ऐसे बच्चों के लिए जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो बच्चों को यहाँ पर 150, 60 या 200, 250 नंबर पे भी MBBS मिल जाता है। क्यों? क्योंकि मान लिया किसी यूपी की बात करूँ, यहाँ पर 50 सीटें रिजर्व हैं ऐसे बच्चों के लिए जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, बट नीट का फॉर्म फिल किया था सिर्फ यूपी से 25 बच्चों ने जो फिजिकली हैंडीकैप थे, और वो सिर्फ नीट क्वालिफाई ही कर पाए हैं तो भी उनको MBBS मिल जाएगा। उनका मतलब कहते हैं ना काउंसलिंग स्पेशल नहीं होती है, ठीक है? तो उनके जितने भी नंबर अगर वो क्वालिफाई कर गए हैं तो उनको MBBS सीट मिल जाती है। फिर उसको बात आती है SC और ST बच्चों की, तो इनकी कट ऑफ कंपेयर टू OBC और जनरल काफ़ी कम जाती है। जैसे कि अगर आप यूपी से हैं और आपके नंबर इस बार 350+ है, 360, 70, 80, 400 जितने भी हैं, तो उस कंडीशन में पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपको कोई ना कोई न्यूली जो मेडिकल कॉलेजेस जो न्यूली ओपन हुए हैं गवर्नमेंट बॉडी वो मिल सकती है। सेम एज ST का ही होता है, सेम SC का होता है ये, और ये हर स्टेट में होता है। मतलब अगर कोई ऐसा बच्चा है जो ST कैटेगरी से बिलोंग करता है और उसके नंबर 350+ निकल जा रहे, तो उसको कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है कि उसको मॉपअप राउंड स्टेट कोटा में जो है MBBS सीट हर हाल में मिल जाए। कई बार इससे कम नंबर पे भी बच्चों को MBBS मिला है। अब बात करते हैं जनरल और OBC की दोस्तों, तो जनरल और OBC में कोई विशेष इम्पैक्ट नहीं होता है। बहुत ज़्यादा होता है तो 4 to 5 नंबर्स का अप एंड डाउन होता है, कई बार तो जनरल से भी ज़्यादा OBC कट ऑफ जाती है, ठीक है? तो आप मान लीजिए दोनों का लगभग इक्वल रहता है। अब इसका मतलब ये है कि आप किसी भी स्टेट से हैं, 1-2-3 स्टेट जहाँ पर हाई कट ऑफ है उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बट जैसे मोस्टली चाहे वो MP हो गया, UP हो गया, बिहार हो गया, यहाँ पर अगर आपके नंबर 575+ हैं, मतलब 580, 85, 90, 600, तो उस कंडीशन में आप सभी को कोई ना कोई गवर्नमेंट MBBS कॉलेज मिल सकता है। आपको पेशेंस रखना है कि स्टेट काउंसलिंग शुरू हो, फर्स्ट फेज नहीं, सेकंड फेज, सेकंड फेज मॉपअप राउंड, लास्ट तक बच्चों को 575 के बाद बच्चों को MBBS
मिल सकता है। हाँ, आप अपना स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट या अगर आपके पास ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट तो उसको, या फिर अगर आप ओबीसी रिजर्वेशन में आते हैं तो उसको, इन सब सर्टिफिकेट्स को जरूर रखें, ये काफ़ी हेल्प करेंगे आपको स्टेट कोटा में एमबीबीएस दिलाने में। सो इन शॉर्ट मैंने आपको सब कुछ बताने का प्रयास किया है। अगर कोई सवाल है या आप चाहते हैं कि आप पर्टिकुलर अपने स्टेट कट ऑफ या स्टेट के बीबीएस सीट के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, कमेंट करें ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ ला सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।